नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स डे। आज के इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे आलोक इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में। आलोक इंडस्ट्री में देखेंगे तो 7% से ज्यादा की गिरावट दिखी है। आखिर ये गिरावट क्यों दिखी? तो ये गिरावट दिखने का सबसे बड़ा कारण रहा था कि जो इसके रिजल्ट रहे थे, द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी फेल 1569 करोड़। इसके साथ ही देखेंगे तो रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में पिछले 3-4 क्वार्टर से बिलो द एक्सपेक्टेशन रिजल्ट ही डिक्लेयर हो रहा है, जिसके कारण ये हुआ है कि स्टॉक के रिजल्ट काफी वीक दिख रहे हैं। यही मैं आगे आपको दिखाऊं और डिस्कस करूं। उससे पहले आई होप कि आपने प्रीमियम टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया है, जो कि बिल्कुल फ्री है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन कर लेंगे। यहां देखिए, आलोक इंडस्ट्री स्लम्स ओवर 5% एज नेट लॉस विदेन टू 297 करोड़ इन Q4। यहां देखिए तो आप पाएंगे कि जो इस स्टॉक का डिलीवरी है वो तो बेटर दिख रहा है, लेकिन टेक्निकल ट्रेंड काफी वीक है। इस समय इसके चार्ट को देखेंगे तो ये जो रिजेक्शन होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन माना जाता है। इस समय बिल्कुल कॉशन रहने की जरूरत है, लॉन्ग करने से इस समय बचे। लोअर लेवल अगर 10 के नीचे का प्राइस दिखे तो एक अपॉर्चुनिटी होगा, अन्यथा इग्नोर करेंगे और तब तक इग्नोर करें जब तक 15 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देती है। बहुत सारे लोग जो 5 रुपये के लेवल को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सर आपके क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको क्या लगता है। तो आई डोंट थिंक सो कि 5 रुपीज तक के लेवल्स को भी दिख सकता है, लेकिन इस समय थोड़ा कॉशन रहने की बिल्कुल जरूरत है।